हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। नागालैंड के मौन जिले में शनिवार रात को सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग में 11 ग्रामीणों और दो आम नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद से मौन जिले में तनाव जारी है। इस घटना के बाद हुई हिंसा में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। वहीं सेना की गोलीबारी पर नागालैंड पुलिस का कहना है कि जवानों ने धोखे से आम लोगों को उग्रवादी संगठन का समझ लिया और फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही टेलीकॉम इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं नागालैंड में हुई इस घटना के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। नागालैंड में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग की घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज राज्यसभा में उठाया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले को उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विस्तृत जवाब देने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि हम मांग करते हैं कि संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय गृह मंत्री घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दें। खड़गे ने कहा कि ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें अवश्य जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। Sir, please, I have said it. Same thing. I called LOP. Sir, this Nagaland firing issue, there has been a very serious and most tragic development in which 6 innocent civilians were killed on 4th December 2021 by security forces in area of Tiru, Mon districts of Nagaland, mistaking them for militants. This horrific war site led to clashes with security forces, resulting in reportedly death of 8 more civilians and 1 security personnel. Sir, the matter is very heinous. We demand a statement by Minister of Home Affairs on it in the House today only, so that it is a very serious matter. I request you direct the minister to make a statement today. दूसरी तरफ प्रश्नकाल आरंभ होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी नागालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नागालैंड में जो घटना घटी वो बेहद दुखद और शर्मनाक है। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि नागालैंड में शांति बहाली को लेकर दावे किए गए थे, उनका क्या हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि बेगुनाह लोगों की जान गई है, ये मुद्दा सदन में आना चाहिए, इसकी गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। वहीं इधर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बयान देंगे। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। वेंकैया नायडू ने आगे कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और इसी वजह से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। इसके साथ ही विपक्ष राज्यसभा 12 सांसद के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा कर रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि नागालैंड की 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब हो कि नागालैंड के मौन जिले में एक के बाद एक गोलीबारी की 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों की गोलियों से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को बताया कि गोलीबारी की पहली घटना संभवतः गलत पहचान का मामला थी। इसके बाद हुए दंगे में एक सैनिक की भी मौत हो गई है। वहीं समाचार एजेंसी NI ने असम राइफल्स के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मौन जिले के त्रू में उग्रवादियों की उन्हें पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। जानों के नुकसान के कारण की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।